मारपीट, महिलाओं के साथ भी धक्का मुक्की, यहां तक कि पत्थर भी चल गए। कई लोगों के सिर फूटे, कईयों के हाथ पांव में चोट आई, लेकिन इस हंगामे की वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे। ये तस्वीरें बारा जिले की है, जहां कांग्रेस के विधायक पाना चंद मेघवाल जन सुनवाई करने आए थे। बारा के वार्ड नंबर 30 और 31 में विधायक के दौरे के दौरान स्वागत सत्कार की बात को लेकर दो वार्ड के लोग आमने सामने हो गए। इस दौरान आनन फानन में जन सुनवाई के बिना विधायक पाना चंद मेघवाल तो चले गए, लेकिन विधायक जी यहां भीड़ को आपस में लड़ने के लिए पीछे छोड़ गए। विधायक जी के जाते ही दोनों वार्डों के लोगों में जमकर लाठी डंडे चले, पथराव हुआ, महिलाओं के साथ भी मारपीट की गई। स्वागत हम 6 बजे का है, कल उनका पीए भी बुलाया, हमने दिखाया भी सही, तो 6 बजे का राइड कर दिया कि मेरे साथ 6 बजे आ जाए। फिर वो तो धक्का मुक्की लग गए। किस किस से की धक्का मुक्की? पूरा लेडीज भी थी वहाँ पे, और पत्थर फेंक दिए उन्होंने। विधायक वगैरह के साथ तो नहीं की ना? एक लेडीज की लगी है। विधायक से भी की थी क्या? विधायक से नहीं की, विधायक साहब तो घुमा रही थी। अच्छा, वहाँ से चलिए। अच्छा, पत्थर बाद में पत्थरबाजी करी उन्होंने। अच्छा, और गंडा से भी लाए वो। हंगामा होता रहा, मारपीट चलती रही और पुलिस हमेशा की तरह घटनास्थल पर पहुंची और मामला दर्ज कर लिया। जांच की बात कहकर अपनी पीठ भी थपथपाने लगी। हाँ, हरिजन बस्ती वार्ड नंबर 31 के लोगों ने प्रतिवाद दिया है, जिसमें इनका कहना है कि पाना चंद जी मेघवाल जी को इनको आज शाम को 6 बजे बुलाकर मोहल्ले में स्वागत सत्कार करना था और मोहल्ले की समस्या बतानी थी, लेकिन वार्ड नंबर 31 के लोगों ने पाना चंद जी को आज सुबह ही बुला लिया और सुबह बुलाकर उन्होंने 31 वार्ड नंबर की समस्याएं बताना शुरू किया। तो 31 वालों ने उसका ऑब्जेक्शन किया कि हमारे वार्ड की समस्या हम ही बताएंगे, और वो 31 शाम को 6 बजे आपको बुलाया है। तो इस बात को लेकर पाना चंद जी के जाने के बाद में इनमें आपस में मनमुटाव हो गया और कुछ रैली हुई है, जो 3-4 आदमी के चोटें आई। अब जरा सोचिए कि विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस के विधायक पाना चंद मेघवाल की इतनी डिमांड थी कि लोग उनका पहले स्वागत करने के चक्कर में आपस में लड़ भिड़े। विधायक जी ने अगर समझदारी से काम लिया होता तो शायद यही भीड़ वोटों में बदल सकती थी, लेकिन विधायक जी को पब्लिक की समस्याओं से ज्यादा शायद अपनी सुरक्षा की चिंता थी, लिहाजा लोगों को आपस में लड़ने मरने के लिए छोड़कर विधायक जी तो चलते बने। राजस्थान तक के लिए बारा से राम मेहता की रिपोर्ट।